पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी सेक्टर 7 में पहुंचे। उन्होंने हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता रंजीता मेहता के निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत भी की। इस दौरान पंचकुला विधानसभा और अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण देने के सवाल पर भी नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही महिलाओं का सम्मान किया है और 33% आरक्षण देकर मिसाल कायम भी की है। इस आरक्षण को लागू किया है और हम महिलाओं को उनकी बनती हिस्सेदारी देने में भी विश्वास रखते हैं। उन्होंने बताया है कि आगे जो भी होगा वह हाईकमान द्वारा तय किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में भाजपा सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पूर्व सीएम हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाने के बयान पर भी सैनी ने कहा है कि वह जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा बाल कल्याण परिषद की महासचिव रंजीता मेहता सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को पगड़ी बांधी और गदा भी भेंट किया। जो है केंद्रीय जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने जताया और आज आप पंचकुला में हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं रंजीता मेहता जी के आवास पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके स्वागत अभिनंदन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। जब से जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय जयप्रकाश जी हरियाणा के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जब से ये जिम्मेदारी मिली है हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिले के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। आज ये 12वां जिला पंचकुला का है, इसके अंदर आने का मौका मुझे आज मिला है। सभी कार्यकर्ताओं को और पंचकुला के लोगों का आशीर्वाद लिया है। माता रानी के चरणों में मैं गया था, सुबह नड्डा साहब गुरु के चरणों में वहाँ शीश लगाया था, तो उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलने का मेरा कार्यक्रम था। ये अभी रंजीता मेहता जी के निवास के ऊपर भारी संख्या में जो कार्यकर्ताओं को उत्साह और जो जोश देखने को मिल रहा है, इससे एक स्पष्ट ये होता है कि हरियाणा प्रदेश ने यह तय कर दिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ये तय हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, जो मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, उसके आधार के ऊपर लोग आज सरकार के कामकाज से खुश हैं। हमें भी खुशी होती है क्योंकि जब हम क्योंकि मैं एक सांसद होने के नाते गांव के अंदर जाता हूं और जब लोगों से मैं बात करता हूं तो बहुत जो अंतिम लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, जब उसको सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है और मिल करके उसके चेहरे की जो मुस्कान है वो देख करके हमारा मन भी गदगद होता है। और ये सोच नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने ज़बरदस्त तरीके से ढूंढ ढूंढ करके कि गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ा जाए, उसको किसी प्रकार की चिंता ना रहे, उसको लेकर के सारी योजनाएं बनी हैं और उनका लाभ भी उन तक पहुँच रहा है। नहीं तो मैं ये भी देखता था कि सरकार घोषणाएँ भी कर देती थी, योजनाएँ भी बना देती थी, परंतु कागजों में भी लुप्त हो जाती थी। आज पहली बार अगर नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं तो मनोहर लाल जी उसके अंदर इजाफा करके 125 रुपया उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिसको उसकी आवश्यकता है। ये पहली सरकार ऐसी हमने देखी है कि जो गरीब को ढूंढ करके उस तक सरकार की योजना पहुँचाती है। मैंने वो समय भी देखा है कि जो गरीब से सरकार भागती थी उस तक योजना नहीं पहुंच पाती थी और गरीब वोट दे देता था, ऐसा ही महसूस करता था, परंतु पहली बार है कि आज आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को आज बहुत सारे कार्यों से चिंता मुक्त किया है, चाहे हेल्थ के सेक्टर के अंदर है, एजुकेशन के सेक्टर के अंदर है, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं आवास योजना के तहत है। अगर मैं देखता हूँ कि देश के अंदर लगभग 44-44.5 करोड़ ऐसे लोग थे कि जिनका खाता नहीं था बैंक के अंदर, और एक बहुत बड़ी संख्या थी। अगर उन लोगों का खाता नहीं था, उनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था, तो बैंक उनकी क्या हेल्प करेगा? तो वो लोग बैंक के अंदर नहीं जा सकते थे और ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को दिया कि वो भी सिर ऊँचा करके बैंक के अंदर जा सके। आज अगर हम देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सारा का सारा सिस्टम है, उन 44 करोड़ लोगों में लगभग 45-46 हज़ार करोड़ रुपया उन बैंक
वो खातों के अंदर छोटी बचत करके जमा किया है और सरकार जो योजना देती है डायरेक्ट उसके अंदर उसका लाभ पहुंचता है, कहीं लीकेज नहीं होती। एक बड़ा लाभ आज उन लोगों को भी ये अधिकार देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने और मनोहर लाल जी ने उसके ऊपर ठीक मजबूती से पहरा दिया है, नीचे तक पहुँच रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, उस गरीब माँ को छत उसके सर के ऊपर हो उसको मकान बना करके देने का कार्य भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। संगठनात्मक जैसे बदलाव हुए हैं, इसे आप आने वाले चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? खासतौर पर एक समाज जो जिसको इतना प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला था और समाज के प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष, तो कैसे देखते हैं इसे चुनाव में कितनी प्रतिक्रिया रहेगी लोगों की? मैंने कहा है कि आज मैं हरियाणा प्रदेश के लगभग 12वां जिला है, हर क्षेत्र के अंदर मैं जा रहा हूँ, लोगों में एक बड़ा उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है जो देखने को मिलता है। आज आपने देखा भी होगा सुबह से जब मैं यहाँ पंचकुला के अंदर हूँ और अभी रंजीता जी के यहाँ पर आया हूँ, अभी और भी एक दो कार्यक्रम है उसके बाद, जो कार्यकर्ताओं का जोश, आम जन का उत्साह जो देखने को मिल रहा है, आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेगी। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट से सरकार बनाएगी, क्योंकि लाभ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर भी जिस तरीके से भाजपा सरकार के काबिल तारीफ काम रहे हैं, इस वक्त भी आप दो महिलाओं के साथ बैठे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के चेहरे के मुख्य प्रत्याशियों में देखे जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या स्थिति रह सकती है महिलाओं को, कितना प्रतिनिधित्व आने वाले समय में मिल सकता है? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे बिल को जो बड़े लंबे समय से पेंडिंग था, बोलते तो थे कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे परंतु दिया नहीं, कहीं ना कहीं उसको उलझा करके रखा। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के नई पार्लियामेंट बनाई और नई पार्लियामेंट के अंदर जो पहला ही सेशन आया वो बहनों के ही नाम सेशन हुआ है और उसके अंदर 33% का आरक्षण पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को, महिलाओं को देने का निर्णय उसके अंदर किया है। ये मेरे लिए और देश के लिए बड़े गर्व की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि महिलाएं भी इस देश के विकास में मजबूती से भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भागीदारी होगी। आज हम देखते हैं कि हमारी बेटियाँ आज राफेल जैसा जहाज को भी उड़ाने का साहस रख रही हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।